स्लम के जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है? इसके माध्यम से गरीब सबसे पहले तो यह कहना चाहता है कि उनको सबसे पहले हरे खेत दिखाओ और उनकी किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो, ये दो बातें कहना चाहता है। हरे खेत दिखाओ मतलब खेत ने पहले जाओ घुमावे। तो माँ को भाव बताओ जी, तो शब्दार्थ है कि हरे खेत दिखाओ, हरे खेत के पीछे भाव क्या है वो बताओ ना। हरे खेतन को मतलब जी थोड़ी है खेतन पे ले जाओ, जीवन की रोशनी लाओ। हाँ, रोशनी कैसे, टॉर्च जला दें दो तीन तो बहुत देते लग रहे हो तू, बोल क्या करें। चलो भाई सुनो सुनो सुनो, हाँ मतलब कम से कम पोजीशन में, हाँ हाँ और आरक्षण दे, हाँ हाँ तो कोई नहीं बोलेगा बीच में, हाँ बोलो तुम उसके, उसे अपने विचार व्यक्त करने तो बोल ले लो। हाँ चार वर्षों से ऐसे वो चार याद वर्षों से है तो आप अच्छे मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, अरे बाहर अच्छे पे क्यों चले गए बाप रे, आना उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। हाँ 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 भाई, इन बच्चों के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ अरे मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दो। मैंने प्रश्न पूछा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे, मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दो। क्या अपॉर्चुनिटी देंगे आप, नौकरी वगैरह एक और भी बताएंगे मतलब जो के अलावा एक और जिंदगी होती है, क्या कैसे बताओ, कैसे बताओ। हाँ ले जाए कि नहीं, देख भैया लाइफ स्टाइल देख पीछे का साइन है। हाँ और साइन में देख कैसे क्या कर रहा है तू, कर कर तो अर्पू जाकर बोलूं चार हाथ में चलने के होता है। हाँ जरूरी थोड़ी है तुम मेरे हाथ में बांध दो भैया, तू तो पहले नौकरी लगा दे भैया, तो जरूरी तो तुम का आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, पूरी नौकरी लगी रही है वो दे दो आरक्षण पर खाली बन जाओ। ये भाई मुद्दे से भटक जाता है, ये क्या के दिमाग में अभी आरक्षण घूम रहा है भाई। मैंने आरक्षण वाला मुद्दा मैंने पहले सुन लिया, नहीं आरक्षण वाला मुद्दा मैंने सुन लिया, उससे हटके अपन अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब दूसरे तरीके से ही दो कि उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए यदि आप प्रधानमंत्री होंगे तो उनके जीवन को पटरी पे कैसे लाएंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे, जो जिन चीजों से वो वंचित हैं उनको कैसे वो चीजें उपलब्ध कराएंगे, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब आरक्षण को हटा के गोली मारो थोड़ी देर के लिए, कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे दोगे, मैं वही तो आना चाह रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देंगे, अवसर काय का अवसर देंगे आप, नौकरी का, नौकरी बिना पढ़े तो लग नहीं सकती, तो उसका मतलब या तो वो किसी काम में दक्ष हो, ट्रेंड हो, या किताबों में दक्ष हो, तभी तो नौकरी लग पाएगी। तो आप उसको ट्रेंड किस तरीके से करेंगे, ताकि वे देख के बुझाने को।